देश में चौथे चरण के लिए देखिए आपको बता दें कि लगातार वोटिंग 8 सीटों पर जारी है, लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो यहां पर 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आया है। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत इंदौर में 56.53% रहा, खरगोन में 70.80% मतदान जो है वो सामने आया, देवास में देखिए 71.53%, देवास में ये सबसे ज्यादा सामने आया है 71.53% मतदान, इंदौर में 56.53% मतदान हुआ, खरगोन में भी आपको बता दें कि देखिए मतदान का प्रतिशत जो है 70.80% है और रतलाम में भी 70.61% मतदान, मंदसौर में भी मतदान का प्रतिशत 71.76% है, उज्जैन की अगर हम बात करें तो यहां पर 70.44% मतदान अब तक हो चुका है। देखिए 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं कि 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आखिरकार कितना रहा है। इसके अलावा धार की बात करें तो धार में भी देखिए 67.55% मतदान रहा, खंडवा में 68.21% मतदान अब तक हो चुका है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए देवास में सबसे ज्यादा मतदान 71.73% मतदान यहां पर हुआ, इंदौर में हालांकि कम हमें मतदान देखने को मिला, 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया था वो लगभग 48% सामने आया था, लेकिन अभी फिलहाल मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है और धीरे धीरे चूंकि अब महज जो समय है वो भी बहुत कम बचा हुआ है, जो ओवरऑल फिर फाइनल मतदान का प्रतिशत सामने आएगा, जो वोटिंग परसेंटेज आएगी वो देखनी होगी कि कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं इंदौर में प्रभावित हुआ है। उसका एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो मुकाबला था वो एक तरफा हो गया था, बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और यहाँ से लेकिन कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं है, हालांकि बीएसपी ने जरूर अपना यहाँ से कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा लेकिन उसका उतना ज्यादा प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि आपको एक और चीज मैं बता देती हूँ कि इंदौर में अब तक के सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, हालांकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी देखिए अगर हम बात करें तो शंकर लालवानी चुनावी मैदान में। अब देखिए मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान जो है वो चल रहा है और 5 बजे तक 68.01% मतदान हुआ है, ऐसे में देवास में 71.53% मतदान हुआ, वहीं इंदौर में 56.53% मतदान हुआ है। आगे बात करते हैं खरगोन की, तो खरगोन में देखिए 70.80% मतदान हुआ, रतलाम में 70.61% मतदान होता है, वहीं मंदसौर में 71.76%, उज्जैन में 70.44% मतदान, धार की बात करें 67.55% मतदान यहां पर हुआ और खंडवा में देखिए 68.21% मतदान हुआ है। कह सकते हैं कि तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में उसका जो मतदान का प्रतिशत आया वो काफी ज्यादा अच्छा सामने आया था। अगर पहले फेज के मतदान की अगर हम बात करें